डलहौजी आज ककीरा स्कूल के प्रांगण में आज हिमालयन फुटबॉल क्लब की ओर से रखे गए तीसरे दिन के फाइनल मैच में बतौर मुख्यातिथि के रूप में बकलोह गोरखा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मेजर संतीश गुरुंग ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। मुख्यातिथि के स्कूल ग्राउंड में पहुंचते ही फुटबॉल खिलाड़ियों पुष्प देकर जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद हिमालयन फुटबॉल क्लब के ऑर्गेनाइजर परविंदर गुरुंग के द्वारा मुख्यातिथि मेजर संतीश गुरुंग को बैच और स्मृति देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद मेजर गुरुंग खुद भी एक फुट खिलाड़ी होने के नाते दोनों टीमों के खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए कहा। उसके बाद से उन्होंने दोनों टीमों के प्लेयरों से हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी। फाइनल मैच बकलोह यंग स्टार टीम और बनीखेत के बीच खेला गया, जिसमें बनीखेत की टीम ने बकलोह की टीम को 5-0 से पराजित किया। मुख्यातिथि द्वारा जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और 8,000 रुपये नकद पुरस्कार दिए और हारने वाले बकलोह की टीम को ट्रॉफी और 4,000 रुपये की नकद पुरस्कार दिए गए। साथ ही बेस्ट स्कोरर को, बेस्ट प्लेयर और बेस्ट गोलकीपर को भी स्मृति चिन्ह से नवाजा गया। इस मौके सभी बकलोह के गणमान्य लोग मौजूद थे। दो टीमों के बीच में जो है फाइनल खेला जा रहा है, तो आज के मुख्य अतिथि कौन होंगे सर? हमारे आज के मुख्य अतिथि यहाँ पर मेजर सतीश गुरुंग जी हैं आज के। तो मतलब कि जीतने वालों को क्या ट्रॉफी रखा गया हुआ? जीतने वालों को हमारी तरफ से 10,000 रुपये की नकद राशि दी जा रही है, उसके अलावा ट्रॉफी दी जा रही है। उसके अलावा जो प्लेयर अच्छा खेलेंगे उनके लिए अलग से पुरस्कृत जो राशि रखी गई है वो प्रदान की जाएगी। मतलब किस किस मतलब जैसे किन किन खिलाड़ियों को चयनित किया जाए, जैसे गोल करने वाले या क्या? जैसे बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट प्लेयर और बेस्ट फेयर प्ले के लिए ये तीन कैटेगरी में हमने इनाम रखा हुआ है जो भी इस कैटेगरी में फॉल होंगे। डलहौजी से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता अश्वनी साहिल की रिपोर्ट।